लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अभीरे, अबे क्या बोल रहे हैं? ए, नीले मंजरी का नाम काहे ले रहे हो बार बार? क्या हुआ? बोलना यार। क्या? ए, क्या हुआ? बोलना यार। भाई, हमें लगता है हमें प्यार हो गया। किससे? तुम गेस करो। किससे? मंजरी से। हो ही नहीं सकता। अरे पर हो गया है। हो गया प्यार? हाँ। तो काम करो, भूल जाओ। काहे भूल जाए? ऐसे कैसे भूल जाए? हम नहीं भूलेंगे। एक मिनट भूल जाओ। अभीरे, हाँ, तुझे मंजरी से प्यार हुआ है? हाँ। पर क्या मंजरी को भी हमसे प्यार हुआ है? हाँ। भाई यही तो बेस्ट बात है कि हमको लगता है कि मंजरी को भी हमसे प्यार हो गया है, हम दोनों को हो गया है। हाँ। नहीं हो सकता। जब हो गया है तो काहे नहीं हो सकता? तो तुम हटो ना। मैं तुम बताओ, हम दोनों की जोड़ी कैसी लगेगी? बकवास, घटिया, जमेगी नहीं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? उसकी जोड़ी ना सिर्फ एक के साथ जमेगी, क्यों ना मैं? किसके साथ? हमारे साथ। अबे क्या बक रहा है यार? भाई सच में भाई, उसने खुद कहा केमिस्ट्री तो बहाना है, केमिस्ट्री बनाना है हमारे साथ। वो बोली अकेले में हमें। मंजरी कही? हाँ। सुबह पानी स्कूल ला क्या था? विक्रम कमरे में चले गए थे। हैं? ओवर कॉन्फिडेंस की हदें पार किए चले जा रहे हैं। देखो तुम चुप रहा है। ए ना मैं चुप। तुमने भी तो कुछ महसूस किया होगा ना, वो हमसे प्यार करती है किससे? ये तुम्हें क्या लगता है? बताओ तुम बताओ, हम लोग जब पोलियो कैंप गए थे। अरे हम जो लाइब्रेरी में बैठते, कहीं नहीं बैठती लाइब्रेरी में। तो तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? झूठ बोल रहा है? अरे नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं। तुम सही बताओ, तुम सही सही बताओ। मुझे लगता है। हाँ, क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है? हम ना, मुझे लगता है मंजरी मुझसे प्यार करती है। सब कब हुआ कुछ पता नहीं चला, क्योंकि तुम दोनों ने कुछ बताया ही नहीं। वैसे नमे, तुम कौन सा फामला लगा रहे हो भाई? हैं? सिंपल है, वो दोस्त हम तीनों की है। लेकिन आई लव यू किसको बोला? क्या तुमको आई लव यू बोला? बट झूठ। आई लव यू बोला कह रहा है। सुन जो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमें सही में मंजरी से बहुत ज्यादा प्यार हो गया। ये तो गड़बड़ हो गई, सोचा नहीं था एक लड़की के चक्करों में हम तीनों की दोस्ती में दरार आ जाएगी। छे, हमारी दोस्ती में काहे दरार आएगी? ये प्यार करके ना चक्कर ही खराब है। हम आपस में काहे लड़े हम आपस में, बताओ। देखो भाई, मंजरी जैसी लड़की को आज नहीं तो कल कोई ना कोई अच्छा लड़का तो खोजना ही है। हम दोस्त है उसके, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं? तो तुम दोनों बोलो उसे, हमारे बारे में सोचना शुरू कर दे। हैं? इतना भोकाल काहे के लिए भैया? हैं? सपने में भी नहीं सोचेगी तुम्हारे बारे में वो। अरे इतना कंफ्यूजिंग नहीं है बच्चों, नॉर्मल वर्ल्ड में कोई भी लड़की तुम दोनों से पहले मुझे चूज करेगी। क्यों? तुम हीरे जड़े हैं, हीरे जड़े हैं तुम्हें। इतनी बहस क्या करनी है, मंजरी से ही पूछ लेते हैं ना, वो किसी एक को चूज कर लेगी, बाकी के दोनों पीछे हट जाएंगे। अच्छा, और पूछेगा कौन? तुम पूछो, तुमको तो रोज आई लव यू बोलती है वो। सूरजो पूछेगा।
अच्छा हम पूछें तो ये भी बता दो कब और कैसे। दो हफ्ते बाद मंजरी का बर्थडे आ रहा है, तब पूछते हैं। वाह गुरु, रिसर्च तो बढ़िया की हो अपनी भाभी के बारे में। बताने के लिए थैंक। शेयरिंग इज केयरिंग, गुड बॉय। अरे घर से डॉक्टर बनने का प्रेशर ना होता ना तो हम डिटेक्टिव ही बनते। ये डिटेक्टिव नहीं, डिफेक्टिव लोग का काम है। चोर कहीं के, पता करते। हो गया तो ध्यान से सुन, केक काट के सबसे पहले जिसे खिलाएगी वो लड़की उसी से सबसे ज्यादा प्यार करती होगी, बाकी दोनों पीछे हट जाएंगे। मंजूर? केक काट के जिसे सबसे पहले खिलाएगी। हाँ मंजूर। हर लवर बॉय का महाकुंभ 12 महीने में आता है, लड़की का बर्थडे। हम भी जुट गए थे महाकुंभ की तैयारी में क्योंकि इसी दिन पूरी होने वाली थी हमारी भी विश। मैसेजेस की तो बौछार हो रही थी, कभी खुद एक फॉरवर्ड नहीं पड़ा, पर मंजरी को रोज गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेज रहे थे हम। तुम्हारा मन है तो तुम दे दो। नहीं तुम हर बार देते हो ना, आज ही दे दो। सही कहा है किसी ने, जंग और प्यार में सब जायज है। केक की पहली बाइट के लिए शुरू हो चुकी थी एक अतरंगी फाइट। अरे क्या हो भैया, आज तो एकदम कहर ढा रहे हो। सुनो, किसकी शादी में जाने की तैयारी कर रहे हो? अपनी, कोई आपत्ति है? अरे हमको काहे आपत्ति होगी, पर ऐसा है, ज़्यादा चौचियाओ मत, पता हमको सब है, समझे? वो मंजरी का आज बर्थडे है, उसी की तैयारी में जुटी हुई है तिकड़ी, हैं? गजब, शर्ट तो बड़ी धांसू पहने हो, है ना? नई लग रही है एकदम। नहीं है, तुम्हें पता है अभी मंजरी को ना गुलाब बहुत पसंद है। क्या बात कर रहे हो? एक काम कहीं नहीं करते, बाबूजी से कह के गांव में गुलाब की खेती शुरू कर दो। बिल्कुल दिल की बात छीन ली है, थोड़ी देर में दिल भी छीन लेंगे तुम्हारा। आ गए बस, अब मैं आंखें खोल रही हूँ। नहीं नहीं यार अभी नहीं। अरे रुको ना अभी, अब पेशेंस रखो थोड़ा। खोलो आंखें। बहुत सुंदर, किसने सजाया? मैंने। हमने मैं। मंजरी जी, अरे भाई हमारी तरफ से भी आपको हैप्पी वाला बर्थडे और ये एक छोटा सा गिफ्ट। क्या कर रहे हैं? क्या देखो, माफ करना यार, मैं तुम्हारी महंगी वाली वाइन उठा लाया, लेकिन अब सस्ती वाली रम गिफ्ट में देता तो अच्छा नहीं लगता ना यार। मेरे भाई वो नहीं पीती, तू समझ रहा है? कोई बात नहीं, मैं पीती नहीं हूँ, पर पी नहीं सकती ऐसा किसने कहा, और गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। थैंक्स विक्रम। केक काटने की बारी आई तो लड़कियां मोमबत्तियां गिन रही थी और हमारी हवा ये सोच सोच के टाइट थी कि पहली बाइट किसको मिलेगी। मंजरी ने केक काटा और पड़ा हम तीनों के गाल पर जोर का चाटा। यार लड़की पहली बाइट खुद ही खा गई।
मंजरी बहुत खुश थी और हमने भी उसकी खुशी में शामिल होने की बहुत कोशिश की पर हो नहीं पाए। शायद इसीलिए जब अरमानन गैंग बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारी पार्टी में आए तो हमने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उन्हीं पर निकाल दी। अरमान आया था कुछ और पीने पर बेइज्जती का घूंट पीकर निकल गया। मंजरी पिए जा रही थी और डांस किए जा रही थी। धीरे धीरे बाकी सब थकते गए और कटते गए और वहां बचे बस हम चार। म्यूजिक किसने बंद किया? सब कहाँ गए? सुबह नहीं गए? पता है जब मैं छोटी थी ना तो मेरी माँ हर साल मेरा बर्थडे मनाया, ऐसे ही पूरे घर को सजाती थी। फिर उनके जाने के बाद तो किसी को याद तक नहीं रहता कि मेरा बर्थडे आता कब। पता है सब कहते हैं कि वो कि मैं उनके जैसे दिखती हूँ। बहुत इमोशनल लड़की है, हमें तो अम्मा का याद दिला दी। इमोशनल भी है और आउट भी है। गर्ल्स हॉस्टल जा नहीं सकते, क्या करें।